पुलिस और गुप्तत्वी और जो है अमानता अपने आप को समझ गए। जमीयत ने अगर ऐलान की है कोई इस इलाके की, तो हमारी जमीयत को यहाँ पर जो जिम्मेदार है पैगा आता नहीं आता, आता वो लोग माने उसको नहीं माने, नहीं माने तो हम जो है ना लोगों से इख्तलाफ करके दूर हो जाए हम लोग गलत जाएगी। हालांकि मर्जी नहीं होता था जाने को कोई बात नहीं, आप लोग सीख जाइए बात पहुँच जाती। मेरे दोस्त और भाइयों ये आजकल बना हुआ देखिए नमाज पढ़ना है अकेले घर में पढ़ सकते तो मस्जिदें किस लिए बनाए हम लोग? ईद करना है अपना घर में घर को कपड़ा कर लेगा खुशी से माँ चला ईद बोले तो ईद होती है। ईद किसके साथ होती है? किसके साथ होती मुसलमानों के साथ होती है। हदीस में है अलफित्र यौमतुफ्तिरून वलअधा यौमतुज़ाहून, जब सारे लोग मिलके ईद उल फितर मनाए वो ईद होती, जब सारे लोग मिलके ईद उल अज़हा मनाए ईद उल अज़हा होती, एक रात में ईद नहीं मनाता। तो मेरे दोस्त और भाई कि आप लोगों को मैसेजेस आते हैं इंफॉर्मेशन आती है कौन भेजते हैं क्यों भेजते हैं कैसे भेजते हैं हम लोग इसके जिम्मेदार नहीं हैं। आप भी व्हाट्सएप में देखते हैं, पहली बात तो ये गलत है कि आपके ताल्लुक नहीं है देखते क्यों टाइम वेस्ट है। अगर आप बोलें कि जमात वाले जमीयत वाले अफराद जो है ना दूसरे इलाकों में जान दें के ऐलान करें तो वो लोग हमारी जमीयत के जिम्मेदार जो लोग हैं, मैं ये नहीं बोलता लेकिन अल्लाह ताला ने उनको जिम्मेदार बनाया और हम लोगों ने उनको सेलेक्ट किया, तो इस मामले में वो चोर और बिल्कुल धोखेबाज तो नहीं है ना। उनका क्या पता है ये कहते हैं आगे पीछे कहते हैं, तो उनके पास ये मैसेज आता है, मैसेज जब उनके पास आता है वो लोग भी तहसील करते हैं कि साहब तहसील कर रहे हैं, जब इतमान हो गया तो ऐलान करते हैं। आज के दिन मरकजी जमीयत अहले हदीस दिल्ली में जितने उलमा बैठे अभी 10-15 मिनट पहले उसके नाजी में हूँ इसका मैं मैसेज सुना हूँ, फिर मैं कॉल करके भी जो है ना अभी हमारे दोस्त को पूछा मैं बैंगलोर में भाई वो उससे ताल्लुक रखते हैं मरकज से लेकिन क्या सिचुएशन है, बोले कि भाई हम लोग अभी तक रोज़ा हैं रोज़ा लगता जाए। ठीक है ये बात तो मैंने आपको समझा दी कि हमेशा इज्तिमाई मसाइल जो होते हैं सोशल मसाइल हमारे कम्युनिटी के जो मसाइल होते हैं उसमें आप लोग डिसीजन बन लीजिए, बिल्कुल इम्पॉसिबल ऐसा जीना इंसानों का तरीका नहीं है जीने का, इस्लामी तरीका भी नहीं कम्युनिटी का मसाइल। दूसरा पॉइंट जो मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को, आप आलिम आदमी हैं क्या है कि आप जो है ना जमीयतों के यानी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर के जिम्मेदार हैं? नहीं है आप ना आप आलिम हैं, तो इसीलिए ऐसे मसाइल इंडिविजुअल मसाइल में आप टेंशन कर लेंगे ज़्यादा सुनना चाहिए हम लोग चार लोगों से पूछ के अमल कर ले रहा हूँ मैं तो काबिल को बोले, लेकिन जो इज्तिमा सोशल मसला रहता उसमें क्या करना चाहिए अतीउ अल्लाह व अतीउ रसूल रसूल अल्लाह ने भी उनको जो जिम्मेदार है उनकी बात मानो आप कि अल्लाह ताला का रसूलुल्लाह का हुक्म है। तो ये सोशल कम्युनिटी के जो मसाइल हैं दीन के जो मसाइल हैं अल्लाह ताला का रसूलुल्लाह का आपको हुक्म यह है कि ऑथेंटिक स्कॉलर के पास रुजू करें। अगर बाई चांस उसने गलती की तो अल्लाह के पास हम जवाबदार हैं आप जवाबदार हैं, इसीलिए आप लोग गलती मत करो। आप लोग हदीस में हैं जो आदमी बगैर इल्म के कुछ कहता है तो सही भी बोलते हैं तो गुनाहगार है, जबकि एक साहिब इल्म वाला तो मैं ये बात जो है फेसबुक में पढ़ा लिख भी चुका हूँ आर्टिकल में, इल्म वाला जब वो बोलता है वो गलती भी करता है तो अल्लाह उसको गजर देता है, इसलिए तो बेचारा कोशिश करा कि सही बात तक रिसर्च करके पहुँच सके ये हदीस में। तो दीनी मसाइल में आप लोग दाएं बाएं एक्स वाई जेड पे भरोसा नहीं करें एक इमाम है एक मौजिन है, नहीं आपको मालूम है हैदराबाद का ऑथेंटिक स्कॉलर कौन है? ठीक है आपको मालूम है कि इंडिया में ऑथेंटिक स्कॉलर कौन है? आपको मालूम है इंटरनेशनली ऑथेंटिक स्कॉलर कौन है? आप अपने तौर से कोई ओपिनियन नहीं लीजिए और अपनी पसंद के ओपिनियंस को नहीं सेलेक्ट कीजिए, स्पेशली विच इज रिलेटेड जो चीज़ जो है ना सोसाइटी से रिलेटेड इसमें आप किसी एक ऑथेंटिक स्कॉलर पे भरोसा कीजिए और उसकी बात मानिए, अगर गलती भी है तो अल्लाह ताला के पास आप माफ हैं उनको पकड़ जाएगा। दूसरी बात तीसरी बात मेरे दोस्तों और भाइयों अपनी ख्वाहिशात के हिसाब से दीन पे अमल करना ईमान नहीं है इस्लाम नहीं है। मेरे को पसंद है बल्कि मैं ढूंढ रहा हूँ लोग क्या करते बोले तो उलमा को फतवा देने वालों को ये चीज़ें सिखाते हैं, अफसोस कि हमारे पास हर आदमी फतवा देता दूसरे जमातों में तदबीर होती है फतवे की, अफसोस है ये
मसला हल होना चाहिए। फतवा देने वालों को सिखाते हैं कि आप जिस जगह का फतवा दे रहे हैं पहले ये देखिए कि वो इलाका कौन सा है, वहाँ के हालात क्या है, वहाँ के उलमा की ओपिनियन क्या है, ये मालूम करना चाहिए। इसीलिए मेरे पास जब भी फतवा आता, मैं इस्लाम के लिए जब काम करता था फतवे के लिए, ऐसे सोशल मसाले में हम लोग बोलते थे कि जाओ तो लोकल उलमा से मसला पूछ लो, नमाज से मत नमाज रोजे का मसले बता देते, लेकिन देखिए किसी की तलाक कराना है, किसी को जाना कैंसिल कराना, किसी का शोहर भाग गया, किसी की ईद कराना है, तो हम बोलते जाके वहाँ लोकल लोगों से पूछ रहे मसला। ठीक है दोस्त, हम यही करते हैं, कोई हमसे पूना से यहाँ से पूछता है, बोलते भाई वहाँ का उलमा से पूछो, हमसे क्यों पूछ रहे, ऐसा तलाश करना है कि हमको कहाँ का सेशन मिल रहा है, ये मान नहीं है। हमारा नफ्स को जो ईजी है उसको नहीं हल करना, उसको नहीं तलाश करना, तलाश ये करना कि सबसे ज़्यादा सही क्या है। अगर वो चीज़ हमारे लिए तकलीफदा है, मुश्किल भी है, लेकिन एक ऑथेंटिक स्कॉलर को ना उसको मान लेना चाहिए। बस अगर चाहिए दूसरे लोग दूसरा ओपिनियन रखते होंगे, क्योंकि हम हमारी पसंद की चीज़ को हल नहीं करना, बल्कि जो चीज़ ज़्यादा ऑथेंटिक तरीके से आप उसको हल करना। इन तीन बातों का ख्याल कीजिए, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको सीधे रास्ते पर चलाएँ। अल्लाह हमारे आवाज़ को बात को सुन रहा है, जजाक अल्लाह, कुछ सवाल करना तो कर सकते।